वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। और मैं आ चुकी हूँ अपने मायके, और कल ही परसों रात में ही पहुंच गई थी, और 12:30 बजे। और फिर मैंने थोड़ा सा सूट किया था आज मॉर्निंग में, मम्मी को मिलवाया था। और ये मेरी बहन अंकिता, इसी ने मेरी हेयर स्टाइल ये बनाई है। हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ओके, तो ये मेरी सबसे छोटी बहन है अंकिता, और मेरी मुझसे एक छोटी बहन है राखी, वो नीचे ही है अभी, वो खाने की तैयारी कर रही है। अभी मैं भी जा रही हूँ, देखती हूँ क्या बना रही है। और मम्मी से तो मैं मिला ही चुकी हूँ पहले से ही। और मेरी ये हेयर स्टाइल कैसी लग रही है आप लोग मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में लिख के, अंकिता ने आज बनाई है हेयर स्टाइल। और घर आकर तो बहुत ही मजा आता है, और मतलब वही पुराने दिन याद आ जाते हैं। आराम से बैठ के खाओ पियो घूमो, बहन से चुटी करवाओ, और कभी उसकी मैं करूँ कभी कुछ, तो ऐसा ही है बहनों के साथ में, तो मजा आ रहा है। और आद्या अभी सो रही है, आज पूरी दोपहर उसने मस्ती की खेली, उसके बाद वो अभी शाम का टाइम सो गई थी करीब 5:30 या 4:30 बजे ऐसे ही सो गई है। तो अभी वो सो रही है, थोड़ी देर में उठेगी, और अगर उठेगी तो मालूम है मुझे वो 11 बजे से पहले या 12 बजे से पहले नहीं सोने वाली, क्योंकि वो इतनी देर तक शाम को सो रही है इसलिए। और ये है मेरा घर, ये है मेरे घर का ऊपर वाला पोर्शन, नीचे वाले पोर्शन में अभी सभी लोग हैं, ऊपर वाले पोर्शन पे अभी कोई नहीं है और सभी लोग नीचे हैं। अभी भाई लोग दुकान पर हैं, पापा भी दुकान पर हैं, तो जब लोग आएंगे तब होगी चहल पहल। और ये है मेरा मायका, और ये है ये रूम, ये भाई का रूम है, इसमें हम सब लोगों की फोटो वगैरह लगी हुई है। आइए दिखाती हूँ मैं, ये देखिए यहाँ पे ये फोटो, एक मेरे हस्बैंड की और मेरी बहन की, मम्मी की, पापा की, वो लगी है फोटो। और कुछ शॉप पार्ट रखे हैं ये ऊपर, कुछ इस तरीके से सजा के रखा है मेरी बहन ने, ऐसा है। कल मैं इसको प्रॉपर अच्छे से दिखाऊंगी कल वाले वीडियो में, अभी तो मैं ऐसे ही दिखा दे रही हूँ मैं, तो बस ऐसा ही है। तो चलते हैं फ्रेंड, थोड़ी देर में मिलती हूँ मैं आपसे। हम छोड़ेंगे सब्जी राखी? हाँ ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं सब्जी छोंकने वाली हूँ, प्याज की, आलू और प्याज की सादा सिंपल सब्जी बनाने वाले हैं। और ये है मेरा मायके का किचन, और मैं सब्जी बनाने जा रही हूँ, तो चलिए।
सिर्फ मैंने ही सब्जी छौंक दी है क्योंकि मैंने कहा राखी मैं सब्जी छौंक देती हूँ, आज मेरे हाथ की खाओ सब्जी। तो मैंने एकदम सादा सी सिंपल सी प्याज आलू की सब्जी छौंक दी है। आज शाम को प्याज आलू की सब्जी सिंपल सी बन रही है। मेरा मन भी था सादा सा खाने का क्योंकि गर्मी बहुत होने लगी है और सादा सी सब्जी खाने का मन कर रहा था। देखते हैं कल क्या करते हैं क्या नहीं, कल कहीं जाने का प्लान बनाते हैं तो वो भी आपको लेकर चलेंगे। और मैंने बालों को इस तरीके से बांध दिया क्योंकि बहुत गर्मी है यहाँ पर, इस तरफ तो बहुत ही गर्मी है, कानपुर की तरफ तो बहुत ज्यादा ही गर्मी है, इसलिए मैंने ये बालों को ऐसे बांध दिया। खासकर किचन में आओ तो बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। और आध्या रोई थोड़ी देर के लिए, रोकर सो रही है वो, तो वो रोई थोड़ा सा, तो मतलब जगने वाली है, तो मैं उसे देखने गई तो फिर से सो गई। कूलर चल रहा है, हवा में आराम से सो रही है आध्या, कोई टेंशन नहीं है, बड़े आराम से मस्त से सो रही है, मजा आ रहा है उसे सोने में और नींद अच्छी लेने में। लेकिन ये क्या है कि अगर वो ज्यादा देर तक सोती रहेगी ना तो फिर रात में बहुत परेशान करेगी, तो पहले जाकर उसको जगाते हैं, थोड़ा सा लाड़ प्यार करते हैं। और बच्चा सो के उठता है थोड़ा सा लाड़ प्यार तो करना बनता ही है, नहीं तो बच्चा रोता है, तो इसलिए थोड़ा सा लाल प्यार करूंगी। और नानी की तो ऑलरेडी लाल प्यार करेंगी ही, वो कर ही रही है, वो लोग देख ही रही हैं उसको। तो चलिए यहाँ सब्जी बनने देते हैं और रोटियां मम्मी या राखी या बहन या मम्मी दोनों में से कोई भी सेक लेगा, बहुत गर्मी लग रही है। चलिए फिर चलते फटाफट हॉल में। आध्या हेलो बोल दो। आध्या पाटकार जी मामू क्या कह रहे हैं तुमसे, देखो आध्या पाटकार जी। और यहाँ भी मेरी मम्मी बिछा रही है बिस्तर, और ये आपको ऐसी चारपाई दिखेगी यहाँ पर क्योंकि हम लोग मतलब मेरे यहाँ मायके में सब लोग चारपाई पे लेटता है, यहाँ हॉल में पूरे में तो चारपाई है, वो चारपाई हॉल में पड़ जाती है और हम लोग हॉल में लेटते हैं। हॉल में एक तख्त पड़ा हुआ है, एक फोल्डिंग पड़ी हुई है और दो चारपाई है, ये सारी चारपाई मतलब चार चीजें हो गई, तो इसी में हम लोग लेटते हैं। भाई ऊपर जाता है लेटने के लिए ऊपर वाले कमरों में, और यहाँ पर भी एक कमरा है इसमें बेड पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ कोई नहीं लेटता है। पता नहीं हम सब लोगों का मन रहता है कि हम लोग बाहरी चारपाई में लेटे और एक साथ ही लेटे, इसलिए हम लोग यही लेटते हैं। यही कूलर लग जाता है, ये देखिए यहाँ पे ये कूलर लगा हुआ है, ये मम्मी बिछा रही है, और ये कूलर थोड़ा सा तिरछा करके लगाया जाता है तो सबको हवा लगती है, तो ऐसे ही लेटते हैं हम लोग एक साथ मिलकर ताकि मतलब गर्मी भी ना लगे और आराम से लो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गर्मी में ऐसे लेटते हैं, सर्दी हो या गर्मी हो हम सब लोग यही हॉल में ही लेटते हैं, अच्छा लगता है, आदत ही है पहले से ही इस वजह से। और ये आध्या आज जग चुकी है और आध्या ने रोना शुरू किया था, इस वजह से उनको मोबाइल लेना था, मैंने मोबाइल दे दिया थोड़ी देर के लिए, फिर ले लूंगी, बस थोड़ी देर के लिए दिया है। आध्या फिर दे दोगी ना मोबाइल, ठीक है। और अपनी मौसी का मोबाइल लिए है और नीचे कोई आ गया है शायद पापा शायद भाई, तो चलिए फिर थोड़ी। तो फ्रेंड्स सब्जी भी बन गई है, पराठा भी बन गया है ये, और राखी बना रही है पराठे गरम गरम और सब्जी और पराठा। तो फ्रेंड्स बस मैं अपना डिनर कर लेती हूँ और यहाँ मेरी बहन अंकिता है वो भी खा रही है ये, और राखी ये देखो बना रही है खाना। राखी लगी है राखी मुझको मत लो प्लीज मुझको मत लो कैमरे में, ठीक है अब नहीं लेंगे, लेकिन इतना तो ले लिया। अंकिता कहते मुझको ले लो बहुत सारा, वेरी टेस्टी। तो खा लेते हैं हम फिर मिलते हैं आपसे। और आध्या भी दिखाई नहीं दे रही है, आध्या बस मामा के साथ में बिजी हो गई है, तो आध्या को भी बुलाते हैं। ये आ गई आध्या, ओहो इतनी सारी चॉकलेट कौन लाया, मामा कौन से वाले मामा लेके आया जल्दी बता दो। आशीष मामा, अरे वाह थैंक यू बोला आपने, मेरे पास नहीं रुकोगी अब, आध्या नहीं रुकेंगी मेरे पास तो मामा के पास रुकेंगी। और चलिए फ्रेंड अब हम डिनर कर लेते हैं फिर मिलते हैं आपसे, बाय बाय। तो फ्रेंड बस मैं अपना डिनर कर लेती हूँ और यहाँ मेरी बहन अंकिता है वो भी खा रही है ये, और राखी ये देखो बना रही है खाना। राखी लगी है राखी मुझको मत लो प्लीज मुझको मत लो कैमरे में, ठीक है अब नहीं लेंगे, लेकिन इतना तो ले लिया। अंकिता कहते मुझको ले लो बहुत सारा, वेरी टेस्टी। तो खा लेते हैं हम फिर मिलते हैं आपसे। और आध्या भी दिखाई नहीं दे रही है, आध्या बस मामा के साथ में बिजी हो गई है, तो आध्या को भी बुलाते हैं। ये आ गई आध्या,
ओहो इतनी सारी चॉकलेट, कौन लाया? मामा कौन से वाले मामा लेके आए जल्दी बता दो। आशीष मामा। अरे वाह थैंक यू बोला आपने। मेरे पास नहीं रुकोगी? अब आज नहीं रुकेंगी मेरे पास, तो मामा के पास रुकेंगी। और चलिए फ्रेंड अब हम डिनर कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे, बाय बाय। अच्छा लग रहा है, शाम का टाइम है, मतलब रात का टाइम है, शाम का नहीं, 9:30 बज रहे हैं। और मतलब बालकनी पे खड़ो ना बहुत अच्छा लगता है। ये आध्या खड़ी है, आध्या 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 तो भाग रही है, मतलब ठंडी ठंडी हवा लग रही है। आध्या कह रही है नीचे चलो, तो बस हम लोग खाना खा के, मतलब हम लोगों ने खाना खा लिया है, मैं खाना खा के ऊपर आ गई हूँ और सोचा कि चलिए अब इस वीडियो को एंड कर देते हैं। तो बस हो गया मेरा आज का ये वीडियो। तो आध्या को लग रही है शायद फिर से नींद, पता नहीं क्यों नींद आ रही है, क्योंकि दोपहर में वो सो तो गई थी और सारी दोपहर तो वो खेली है, और रात में शाम का टाइम वो सो गई थी, इस वजह से शायद फिर से बहुत नींद आ रही है। और चलिए फ्रेंड्स अब मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ यहीं पे, मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।